हेलो एवरी वन वेलकम टू स्काई ब्रेन टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये क्लास एट का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप्स क्रॉप्स क्या होती हैं जब सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं फील्ड में लार्ज स्केल पे टू ऑप्टेन फूड उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वीट जो है हमारा फील्ड के अंदर लार्ज स्केल पे ग्रो की है तो उसको हम बोलेंगे वीट क्रॉप सिमिलरली राइस अगर हमारा लार्ज स्केल पर ग्रो करी हुई है फील्ड के अंदर उसे हम बोलेंगे राइस क्रॉप टाइप्स ऑफ क्रॉप अब जो है अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं बेस्ड ऑन सीज़न जैसे रेनी सीजन में हमारी अलग क्रॉप ग्रो की जाती है और विंटर सीजन में अलग क्रॉप ग्रो की जाती है सो so, सीज़न के बेस पर हमारी क्रॉप जो हैं टू मेन ग्रूप में कैटेगराइज हैं नंबर वन इज़ खरीफ क्रॉप एंड नंबर सेकेंड इज़ राबी क्रॉप खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम ग्रो करते हैं रेनी सीजन में एंड दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो अब एग्जाम्पल क्या होती हैं खरीफ क्रॉप की जैसे कि कॉटन मेज़ पैडी एंड ग्राउंडनट ये एग्ज़ाम्पल होती हैं खरीफ क्रॉप की और जनरली इंडिया में जो रेनी सीजन होता है वो जून टू सेप्टेम्बर होता है तो जून टू सेप्टेम्बर हमारा टाइम होता है खरीफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए राबी क्रॉप राबी क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं इनको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं अब राबी क्रॉप की कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल होती हैं जैसे कि ग्राम पी मस्टर्ड ये सारी एग्जांपल होती हैं हमारी राबी क्रॉप की और राबी क्रॉप का टाइम पीरियड क्या होता है राबी क्रॉप का टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च तक बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अब फार्मर्स जो हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बेसिक एक्टिविटी करते हैं प्रैक्टिस करते हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन सो देयर आर एट स्टेप और प्रैक्टिस फॉर दी क्रॉप प्रोडक्शन नंबर वन इज़ प्रपरेशन ऑफ सॉइल नंबर सेकेंड इज़ सोइंग नंबर थर्ड इज़ एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर नंबर फोर्थ इज इरीगेशन नंबर फाइव इज़ वीडिंग नंबर सिक्स इज़ हार्वेस्टिंग नंबर सेवन इज़ थ्रेशिंग एंड नंबर एट इज स्टोरेज तो चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में नंबर वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले तो इस स्टेप में फार्मर क्या करते हैं सॉइल की टर्निंग करते हैं और सॉइल को लूज करते हैं इसी को हम कहते हैं प्लॉइंग द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और फिर बाद में क्या होता है सॉइल की लेवलिंग होती है सॉइल की लेवलिंग का मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल सो so दैट जब हम अपनी क्रॉप को इरीगेट करें जब हमने वाटर सप्लाई करें तो क्रॉप को वाटर इक्वल अमाउंट में मिले इसलिए हम लेवलिंग करते हैं बेनिफिट ऑफ लूजिंग ऑफ सॉइल अभी हमने पढ़ा हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं सॉइल को लूज करते हैं टर्न करते हैं बट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या एडवांटेज होता है क्यों इम्पॉर्टेंट होती है सॉइल को लूज करना बिकॉज लूज सॉइल हमारा हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ वाम्स की और माइक्रोब्स की फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अर्थ वाम हो गया अर्थ वाम क्या करता है अर्थ वाम का जो एक्सक्रीटा होता है वो जो है प्रोवाइड करता है सॉइल को नेचुरल ह्यूमस और अर्थ वॉर्म क्या करते हैं अर्थ वाम जो है सॉइल में जो है डिक करते हैं और टनल्स बना लेते हैं और उस टनल की वजह से जो होता है हमारा जो एरेशन होता है जो वो बहुत अच्छे से होता है तो इसलिए हमारा सॉइल को लूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है और जो हमारी प्लॉइंग जो होती है जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं तो क्या होता है हमारी जो फर्टाइल जो लेयर होती है ना जो न्यूट्रिएंट रिच लेयर होती है वो टॉप पे आ जाती है सो so, प्लांट उस उन न्यूट्रिएंट्स को इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं ये हमारे बेनिफिट्स हो गए सॉइल लूजनिंग के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट अभी हमने बात करी थी सॉइल प्रिपरेशन की सॉइल को हम लूज़ करने के लिए तो सॉइल को लूज लूज़ करने के लिए कुछ टूल्स का भी यूज़ किया जाता है तो वो टूल्स होते हैं जैसे कि प्लाव प्लाव एक टूल होता है जो कि हमारा यूज़ होता है सॉइल को लूज़ करने के लिए और वीड्स जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे ये एक लॉन्ग वुड है इसको हम बोलते हैं प्लाओ शाफ्ट ओके और उसके नीचे एक ट्राइंगुलर आयरन की स्ट्रिप है इसको बोलते हैं प्लाव शेयर तो अब आप पिक्चर में नीचे देख रहे होंगे देर आर टू बुल्स और उनकी नेक के ऊपर एक लॉन्ग वुड प्लेस है उसको हम बोलते हैं बीम और इसी बीम से हम प्लाव शाफ्ट को अटैच करते हैं और प्लाव शेयर जो है हमारा जो आयरन स्ट्रिप है वो सॉइल के अंदर होती है तो जैसे ही ये बुल्स आगे की तरफ मूव करते हैं तो वो जो हमारा प्लाव शेयर जो है सॉइल को लूज करता जाता है तो इसी तरीके से हम सॉइल को लूज करते हैं द नेक्स्ट टूल इज़ हो हो टूल है जो कि सॉइल को लूज करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है ये सेम इसकी वर्किंग होती है प्लाव की तरह बस स्ट्रक्चर में थोड़ा वेरिएशन होता है इसमें क्या होता है इसमें एक लॉन्ग आयरन जो इसमें लॉन्ग वुड होती है हैंडल होता है उसका वो वुड का होता है और जो नीचे जो उसके होता है एक स्ट्रॉन्ग प्लेट होती है जो कि बेंट होती है उसको हम ब्लेड भी बोलते हैं तो क्या होता है जब हम बहुत लार्ज उसमें स्केल पे जब हम फार्मिंग नहीं करते हैं तो हम हो का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी सॉइल को लूज़ और टर्न करने में हेल्प करता है द थर्ड टूल इज़ कल्टिवेटर कल्टिवेटर जो है हमारा कमर्शियल लेवल पर यूज़ किया जाता है लार्ज फील्ड्स में यूज़ किया जाता है आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कल्टिवेटर में बहुत सारे प्लाव शेयर होते हैं तो अब इसमें प्लाव शेयर बहुत सारे हैं तो इसमें क्या होगा हमारा सॉयल जो है जल्दी से लूज हो जाएगी और जल्दी से हमारी टर्निंग होगी और ये जो है कल्टीवेटर हमारा ट्रैक्टर से अटैच होता है तो जैसे ही हमारा ट्रैक्टर आगे बढ़ता है तो ये जो हमारे प्लाव शेयर होते हैं वो जो है सॉइल को लूज़ करते जाते हैं अब कल्टीवेटर यूज़ करने की एडवांटेज क्या होती है कल्टीवेटर जो हम यूज़ करते हैं वो उससे क्या होता है हमारी लेबर सेव होती है और हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता हमारे कुछ ही एक शॉर्ट पीरियड में हमारी सॉइल की प्रिपरेशन हो जाती है सॉइल बहुत जल्दी से लूज हो जाती है तो दैट इज़ वाई जो हम लार्ज स्केल पे हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं फॉर टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल दिस इज हाउ लूजिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय कल्टीवेटर एंड बाय यूजिंग प्लाव तो ऐसे हमारी जो है सॉइल की प्रिपरेशन होती है सोइंग ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है फॉर दी क्रॉप प्रोडक्शन इसमें फार्मर्स क्या करते हैं सीड को प्लेस करते हैं सॉइल में इसी को हम बोलते हैं सोइंग अब हमारा सीड का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है तो फॉर दी सिलेक्शन ऑफ सीड क्या हम आ, आ, हम अपने उसमें माइंड में रखते हैं कि हमारा जो सीड जो है गुड क्वालिटी के होने चाहिए हेल्दी होने चाहिए और ऐसे सीड होने चाहिए जो हमें हाई ईल्ड दें तो उसके लिए फार्मर जो है चेक करने के लिए क्या करते हैं जो है एक एक्टिविटी करते हैं वो क्या करते हैं वो सीड्स को जो है वाटर में डाल देते हैं तो जो सीड्स जो हैं ऊपर वाटर में फ्लोट करते हैं वो होते हैं अनहेल्दी सीड्स वो हॉलो होते हैं और इसी वजह से और वो लाइट वेट हो जाते हैं तो इसी वजह से वो ऊपर पानी में फ्लोट करते हैं और जो वाटर में सिंक हो जाते हैं वो होते हैं हेल्दी सीड तो इसी तरीके से फार्मर्स जो हैं सेलेक्शन ऑफ सीड्स करते हैं उनकी क्वालिटी चेक करते हैं टूल्स यूज फॉर स्वयं अब फार्मर्स जो हैं कुछ टूल्स यूज़ करते हैं सीड्स को सो करने के लिए सॉयल में तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड होता है और ट्रेडिशनल टूल होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सोइंग के लिए तो ट्रेडिशनल टूल्स में एक ऐसा टूल होता है फनल शेप्ड का आप देख रहे होंगे इसमें जो है सीड्स इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे दे आर टू मैन है ना और उसमें जो है फनिल है उनके सामने और सामने एक उनके बुल्स हैं तो वो क्या करते हैं वो सीड्स को जो है फनिल में फिल करते जाते हैं और जो है सीड जो हमारा जो फनिल के पाइप के थ्रू पास हो जाते हैं और फनिल के जो पाइप होते हैं उनकी बहुत शार्प एंडिंग होती है जो कि सॉइल के अंदर होती है तो जो जैसे ही आपका बुल आगे बढ़ता है वैसे ही सॉइल जो है प्लेस होते जाते हैं सॉइल के अंदर तो इसी तरीके से हम सोइंग करते हैं बाय ट्रेडिशनल टूल अब हम बात करते हैं मॉडर्न टूल के बारे में कैसे हम सोइंग करते हैं बाय मॉडर्न टूल सो so, जो हम सीड ड्रिल यूज़ करते हैं इसके लिए सीड ड्रिल हम यूज़ करते हैं ट्रैक्टर की हेल्प के थ्रू जो हमारा सीड ड्रिल होता है वो ट्रैक्टर से अटैच होता है अब क्या होता है इसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं सीड्स जो हैं हमारे ड्रिल के थ्रू एक यूनिफॉर्मली सो होते हैं और एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर डिस्टेंस के थ्रू तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें जो है हमारा जो सीड है ये जो उसमें जो शार्प एंडिंग होती है सीड ड्रिल के अंदर वो हमारा जो है सॉइल के अंदर पियर्स होती है तो जैसे ही हमारा ट्रैक्टर आगे की तरफ मूव करता है वैसी वैसी हमारे सीड जो हैं सॉइल के अंदर प्लेस हो जाते हैं एक यूनिफॉर्म Uh, एक यूनिफॉर्मली और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीट प्लेस हो जाते हैं अब इसकी एडवांटेज ये होती है जो हमारा जो सीड जो सो होते हैं वो बहुत डीपली होते हैं सॉइल के अंदर तो जो है सीड जो है कवर्ड हो जाते हैं सॉयल से तो हमारा जो डैमेज ऑफ सीड है वो बच जाता है जैसे कि बर्ड और एयर के थ्रू जैसे हमारा विंड के थ्रू जो सीड हमारे ब्लो हो जाते हैं तो ये डैमेज हमारा बच जाता है सीड का मॉडर्न टूल के थ्रू तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की थर्ड प्रैक्टिस के बारे में दैट इज़ एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉइल में जब ऐड होते हैं तो सॉइल को न्यूट्रिय रिच कर देते हैं एंड प्लांट की ग्रोथ को के लिए हेल्दी होते हैं अब हम बात करते हैं मेन्योज़ के बारे में मेन्योज़ जो है एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है मेन्योर हमारा कैसे ऑप्टेन होता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक डंग प्लांट रेसिड्यू तो जब हमारे एनिमल और प्लांट जो है डेड कर जाते हैं तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं देन बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो है हमारा डिकम्पोज हो जाता है वो जो वेस्ट जो होता है देन वो सॉयल में हमारा मिक्स हो जाता है उसी को तो हम मैन्योर बोलते हैं तो ये जो मेन्योर जो है बहुत एसेंशियल एलिमेंट सप्लाई करता है हमारी सॉइल को और सॉइल को हमारे बहुत फर्टाइल बना देता है तो इस ये बात हो गई हमारी मेन्योर्स के बारे में तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स के बारे में जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो रिच होते हैं पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट में जैसे नाइट्रोजन फोस्फोरस और पोटेशियम तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी लैंड को हमारी क्रॉप को नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो उसमें हम ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जो कि नाइट्रोजन रिच होगा ये मैन्योज़ की तरह जो है हर तरीके का न्यूट्रिय नहीं प्रोवाइड करते हैं ये जो है सिर्फ एक ही तरीके का न्यूट्रिय प्रोवाइड करते हैं प्लांट को तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं फ़र्टिलाइजर्स के वो होते हैं यूरिया अमोनिया सल्फेट पोटाश एंड एन पी के दैट इज़ नाइट्रोजन फोस्फोरस एंड पोटाशियम अब हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया अपनी फील्ड में फॉर दी क्रॉप्स बट अगर हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे अपनी फील्ड में तो हमारी सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाएगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्रॉप रोटेशन जो है करना पड़ेगा क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप का रोटेशन करना फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने क्रॉप ग्रो की वीट तो हम वीट क्रॉप ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूस हम वीट क्रॉप वीट राइस वीट राइस ग्रो कर रहे हैं तो हमारी जो सॉइल होगी वो लेस फर्टाइल हो जाएगी और उसको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जो मिलने चाहिए तो हम क्रॉप रोटेशन करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक वीट क्रॉप ग्रो करी देन हम ऑल्टरनेट में कोई एक लेग्यूनस प्लांट की क्रॉप ग्रो करेंगे दैट इज़ जैसे कि पल्सेस की करेंगे ग्राम्स हम लगा देंगे तो ऐसे हम रोटेट करेंगे कि हमने इस साल वीट लगा ली देन नेक्स्ट ईयर हम लेग्युम्नस क्रॉप लगा लेंगे तो ये होता है हमारा क्रॉप रोटेशन अब क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है क्रॉप रोटेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो इससे फर् जो फर्टिलिटी जो होती है वो सॉइल की इंक्रीज होती है और हमारा जो है सॉइल जो है रिप्लेनिश हो जाती है नाइट्रोजन से तो इस तरीके से जो है हमारा जो प्रोडक्शन जो होता है क्रॉप्स का वो ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो हमने जो है थर्ड प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और आगे की जो हमारी प्रैक्टिसज हैं वो हम अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिएगा